देते हैं। मामी से पूछ लो। जी शादी। वो अरविंद चीचा जी ही थे। बच्चे सही कह रहे हैं। एकदम चुप श्रुति। कितने बार कहा तुम्हें कि पापा यहाँ नहीं है, जर्मनी गए, समझती क्यों नहीं तुम? ईशा, बच्चों को क्यों डांट रही हो? अगर इनसे पहचानने में गलती हुई है तो प्यार से समझाओ ना। लेकिन साची भी तो वही कह रही है। माँ, I don't know, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई हो। After all, मैंने जीजाजी को सिर्फ फोटोग्राफ में ही तो देखा है। बहुत ट्रैफिक भी था वहां पर, पता नहीं गलती भी हो सकती है मुझसे। वो मेरे पापा ही थे। श्रुति रमन, सुनो मेरी बात। पापा तो जर्मनी में है ना, है ना? आपने कहा था ना मुझसे बहुत सारी टॉयज लाएंगे आपके लिए, है ना? तो फिर अगर पापा जर्मनी से आगे होते तो टॉयज नहीं लाते श्रुति और रमन के लिए, है ना? अगर वो पापा होते तो घर आते ना। पापा तो कितना प्यार करते हैं रमन और श्रुति से, तो फिर पापा ऐसे वेट थोड़ी कराएंगे आप दोनों को, राइट? अरे मैं तो भूल गई, हमने क्या डिसाइड किया था? आज हम टेंट में रहेंगे, है ना? तो टेंट कब बनाएंगे? चलो चलो टेंट बनाओ, मैं भी आती हूँ। चलो चलो चलो, रन 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 रन। उफ, इतना ड्रामा। मुझे लगा पता नहीं साची ने बच्चों के साथ क्या कर दिया। Really, I was so tensed. सुपर्णा, आजकल तुम्हें हो क्या क्या है? हमेशा दिमाग में उल्टे ख्याल क्यों आते हैं? कभी अपने लिए, कभी बच्चों के लिए। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा टेंस हो। यू शुड मेडिटेट। तुम्हारे दिमाग को, दिल को शांति मिलेगी। एक्सक्यूज मी। अरविंद का फोन क्यों नहीं लग रहा है? चाय आपने बाहर पी नहीं तो मैं फ्रेश बना कर लाई। थैंक्स साची। इसमें थैंक यू की क्या बात है, इतना तो कर ही सकती हूँ ना आपके लिए। और अगर जरूरत पड़े तो से ज्यादा भी कर सकती हूँ। आप पुराना माने तो एक बात पूछूं आपसे। क्या? दीदी आजकल आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। अगर आप पुराना माने तो आप अपनी परेशानी मुझसे बांट सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है साची, मुझे लगता है तुम्हें आजकल बहुत गलत फहमियां हो रही है। ऐसा अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान ना करे कि आप कभी किसी तकलीफ में आए, लेकिन कभी किसी भी वजह से अगर कोई भी आपको तकलीफ हुई तो आप ये झिझक मुझसे शेयर कर सकती हैं। ओके,
और घबराइए नहीं, हमारी ये बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और जब तक आप भी मुझे नहीं बताती मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। रिलैक्स कीजिए। अरविंद जीजू का ये देखो, अरविंद जीजू के लाइफ में क्या चल रहा है। 150 करोड़ का फ्रॉड। ये फाइल मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली है, एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से। 150 करोड़ का फ्रॉड किया है उन्होंने, और अब भागे भागे घूम रहे। इसीलिए ईशा दीदी टॉप क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सांगवी से मिल रही है, और हमसे झूठ कह रही है कि वो न्यूयॉर्क में है, जर्मनी में। I don't understand ये सब कैसे? मैं ईशा दीदी से बात कर रही हूँ। तुम तब तक उनसे बात मत करो जब तक वो खुद इस बात को नहीं छेड़ते। साची, ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। I know, दीवे, मैं जानती हूँ। देखो, वो हमसे ये बात छुपा रही है, तो हमें उनकी प्राइवेसी देनी चाहिए। साची, जो तुम कह रही हो वो सही है, I also respect her privacy. लेकिन वो बड़ी बहन है मेरी, वैसे ही चुप बैठूं? Understand, दीवे, वो हमसे अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें चुप बैठना ही होगा। उन्हें थोड़ा वक्त दो, वो अपने आप आएंगे हमारे पास बात करने के लिए, trust me. अरविंद, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। अरविंद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या है दीदी? प्लीज टेल मी कि ये क्या है। आप बताइए कि ये क्या है। दीदी, प्लीज स्टॉप। दीदी, साची, प्लीज, ये मेरे और दीदी के बीच में, लेट मी हैंडल। दीदी, क्या बात है बेटे, क्यों इतने नाराज हो रहे हो? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं, बस वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब सब ठीक है माँ। साची, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही हो ना जिसने टीवी के कान भरे। माँ, आपको पता नहीं है सांची को मुझसे क्या दुश्मनी है, हर वक्त मुझे नीचा दिखाती रहती है। दीदिया, What are you saying, दी? Really? साफ साफ बताओ, हुआ क्या? अब क्या किया है सांची ने? एक सेकंड, सांची को टारगेट करने से पहले आप पहले ये देखिए। फाइल में 150 करोड़ का फ्रॉड। जी हां भैया, 150 करोड़ का फ्रॉड किया है जीजू। उन्होंने मार्केट से कंसाइनमेंट के लिए पैसे उठाए, और फिर पता ही नहीं चला कि वो पैसे कहाँ गए।
और दीदी हमसे झूठ कह रही है कि वो जर्मनी में है, न्यूयॉर्क में, जबकि वो यहीं मुंबई में छुपे हुए। दीदी आई एम वेरी सॉरी टू से, बट जीजू इज अ फ्रॉड। ईशा, क्या ये बातें सच है? बोलो ईशा, जो डीवी कह रहा है क्या ये सच है? हाँ माँ हाँ, डीवी सच कह रहा है। डीवी की कही हुई हर बात सच है। लेकिन अरविंद, अरविंद फ्रॉड नहीं है माँ, वो फ्रॉड नहीं है। उसका कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया था, जिसके कारण वो पैसे नहीं दे पा रहा मार्केट में। बस करो ईशा, बस करो, बहुत हो गया ये छुपा छुपी का खेल। अब तुम्हें अरविंद के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं। ये बात तय है, अब रमन और श्रुति के साथ तुम यहीं इसी घर में रहोगी। उसने जो दगाबाजी करनी थी उसने कर ली, लेकिन अब मैं अपनी बहन को उस घर में नहीं रहने दे सकता। नहीं भाई, इस वक्त मैं अरविंद का साथ नहीं छोड़ सकती, उसे मेरी जरूरत है। मैंने अपना फैसला कर लिया ईशा। भाई, पर भाई प्लीज, दीदी ऐसे सिचुएशन में जीजू को बीच में कैसे छोड़ सकती? दीदी, दीवी तुम मुझसे उम्र में और तजुर्बे में छोटे हो और छोटे ही रहोगे। डैड ने तुम्हें बिजनेस की जिम्मेदारी क्या सौंप दी, ये मत सोचना कि तुम बड़े हो गए। गोयल फैमिली का बड़ा बेटा मैं, और इसीलिए डैड की एब्सेंस में माई डिसीजन विल बी फाइन। ईशा, जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता तुम बच्चों के साथ यही रहोगी, दैट्स फाइन। मेरे ख्याल से अनवय सही कह रहा है बेटे, कुछ दिनों के लिए, जब तक ये प्रॉब्लम सुलझ नहीं जाते तुम बच्चों के साथ यहीं रहो। हम सब यहाँ हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, और फिर इतने सारे लोग होंगे तो बच्चों को भी उनके पापा की कमी महसूस नहीं होगी। Then we'll decide. तुमने ये सही नहीं किया साची। एक मिनट दीदी, साची ने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे भी आपसे बात करने से रोक रही थी। साची को आपकी फिक्र है, प्लीज आप उसे गलत मत समझिए। साची चलो, लेट्स गो, कम ऑन। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही हो ना जिसने डीवी के कान भरे। पता नहीं सांची को मुझसे क्या दुश्मनी है, हर वक्त मुझे नीचा दिखाती रहती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो तुम? हाँ, तुम एक बहुत अच्छे भाई हो, पता है तुम्हें, पर मैं एक बहुत बुरा पति हूं, फिर से सबके सामने तुम्हें दोषी बना दिया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो, सब घर वाले ही थे ना, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। मैं साची तुम सबके लिए कितना करती हूं,
लेकिन हमेशा हर गलती के लिए वो तुम्हें ही जिम्मेदार मानते हैं। कोई बात नहीं दीदी, और दीदी अभी बहुत परेशान है इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ कह दिया। It's okay. और होली पार्टी के बाद भी तुम्हें ही डांटा जा रहा था ना? अरे बाबा, घर वालों की डांट में प्यार और चिंता ज्यादा होता है, गुस्सा कम होता है। और फिर मैं भी तो नई आई हूँ ना इस घर में, इसलिए सबको थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे समझने में बस। तो फिर तुमने सबको इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? क्योंकि मैंने तुम्हें समझ लिया, इसलिए तुम्हारी फैमिली को समझना आसान हो गया मेरे लिए। साची, साची तुम बहुत अच्छी हो, और मैं नहीं चाहता कि जिस घर में तुम्हारा अपमान, हम बाहर हैं। Let's go. Really, let's go back to Panchkar. दीदी, तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुम अभी गुस्से में हो दीदी, और तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग करके क्या मैं खुश रह पाऊंगी? अरे बट मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुझे होगी तकलीफ। Come on, दीदी, अभी अभी तो माँ मिली है मुझे, अभी अभी पापा आए हैं मेरी जिंदगी में, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक साथ मैं कितने सारे रूप जी रही हूं, कभी बहू बनकर, कभी भाभी, कभी मामी, कभी देवरानी, आई कैसे छोड़ दूं मैं ये सब, बताओ। यार साची, साची इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है। You're too good for yourself. No. You are too good a husband. और थोड़ा सा स्माइल कर दोगे ना तो बहुत हैंडसम भी लगोगे, ट्रस्ट मी। प्लीज थोड़ा सा। अच्छा, मैं ईशा दी से बात करके आती हूँ। अरे डोंट डू दैट, उनका गुस्सा बहुत तेज है। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ा भरोसा तो करो मुझ पर। अभी आई। दीदी, दीदी इतनी नाराज क्यों है? आई नो जो हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन देवी को जीजाजी के बारे में किसी और से पता चला है, मैंने कुछ नहीं बताया, ट्रस्ट मी। और देवी ने भी आपसे जो कुछ भी पूछा ना, चिंता में पूछ रहा था वो आपसे, इट्स रियली रियली वरीड अबाउट यू। और अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ देवी की तरफ से, प्लीज। और अगर मुझे डांट कर आपके मन को शांति मिलती है तो आप मुझे डांट लीजिए, कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आई कैन अंडरस्टैंड दीदी। अब काफी हल्का लग रहा है, शायद एक तरीके से अच्छा ही हुआ जो सबको पता चल गया, नहीं तो झूठ बोलते बोलते छुपाते छुपाते मन बहुत भारी हो गया था। लेकिन आप काफी अच्छा महसूस कर रही हो, और बच्चों के लिए भी तो यही अच्छा होगा कि वो यहाँ रहे, सेफ एंड सिक्योर है ना? सही कह रही हैं आप और बच्चे अगर सेफ रहेंगे, जीजा जी के मन का बोझ और चिंता दोनों हल्का हो जाएगा, है ना? उन्हें भी तो कितनी चिंता हो रही होगी आप सबकी, बट यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मॉम कहती है शुभ शुभ बोलने से शुभ शुभ होता है। थैंक्स साची, उम्मीद जगाने के लिए।
कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, देखना आप। और आप अकेले नहीं है, हम सब हैं ना आपके साथ। कमाल हो तुम साची, कहां से लाती हो इतना प्यार जो पूरे घर को बांध लेता है, फिर भी कम नहीं पड़ता।